Infinix X627 इस मोबाइल की FRP ख़त्म करेंगे। FRP ख़त्म करने के लिए मुझे CM2 की ज़रूरत पड़ेगी। CM2 में MTK TOOL को ओपन करेंगे और मोबाइल को पावर ऑफ कर देंगे। अच्छा सॉरी, मैंने आप लोगों को इसकी FRP बताई ही नहीं कि इस पर FRP लगी हुई थी। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस मोबाइल को दोबारा ऑन करके। ये मैंने दोबारा ऑन कर दिया, इसका मैं FRP आपको दिखा ही दे देता हूँ। इस पर लगी हुई है क्योंकि मेरे पिछली वीडियो से कमेंट्स आए थे कि इस पर लगी हुई नहीं थी, आपने फेक वीडियो बनाई है, तो ये फेक नहीं है। इस पे Gmail ID या फिर पैटर्न आ रहा है, तो इस पे FRP लगी हुई है। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखते हैं गूगल अकाउंट के ज़रिए। ये रही, इस पे Gmail अकाउंट है। अगर हम इसका Gmail अकाउंट रिमूव करना चाहते हैं तो आसानी से ये CM2 के ज़रिए हो जाएगा। सबसे पहले दोबारा से हम मोबाइल को पावर ऑफ कर देंगे। पावर ऑफ, इसके बाद हमने CM2 MTK2 में ये आपने सेलेक्ट करना है Infinix, या पर सोर्स बेस ऑलरेडी सेलेक्ट है, सर्विस पे जाए। फॉर्मेट करेंगे तो ये नहीं होगा, आपने करना है यहाँ पर से जाके फुल फैक्ट्री सेट फोर्स प्लस FRP, ये नहीं होगा। तो आप यहाँ से कर दे FRP रिसेट प्रोटेक्शन, जैसे आप ये करेंगे और रिसेट सेटिंग कर देंगे तो ये आपका मोबाइल आसानी से अनलॉक हो जाएगा। ये कनेक्ट हो चुका है, FRP अनलॉक हो गई है, रिसेट ओके। मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये फॉर्मेट ओके। अब मोबाइल को ऑन करते हैं दोबारा से। मोबाइल मुकम्मल ऑन हो जाए। अच्छा, मैं वीडियो बार बार बीच में पॉज करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने, इसी वजह से एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में कमेंट्स करके हमें बताना भी। अगर आपका मसला हल नहीं होता, आपके मसले का ऐसे भी बेहतर हल निकालेंगे। और साथ में अगर आपका कोई और भी मोबाइल में कोई और भी मसला है, तब अभी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका वो मसला भी हल करेंगे इंशाल्लाह। डोंट कॉपी करेंगे इसको, अब Gmail अकाउंट पर स्किप का ऑप्शन आ चुका है, अब स्किप करेंगे। स्किप अवे, स्किप, फिर से स्किप करेंगे, नॉट नाउ करेंगे। अगर आप कोई पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा भी सकते हैं, मुझे नहीं लगवाना तो मैंने स्किप कर दिया है। ये दो चीज़ें हमने इंस्टॉल नहीं करनी, तो ये चेक हटा लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करें, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। एंड्रॉयड 9.0 में था, FRP अनलॉक हो चुका है।